नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में पारी और 76 रनों से करारी हार झेलने के बाद टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भारी नुकसान हुआ है। भारतीय टीम लीड्स टेस्ट में हार के बाद पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर से फिसल कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। टीम इंडिया की हार का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हुआ है और वो नंबर एक पर पहुंच गया है। इंग्लिश तेज गेंदबाजों के आगे भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर चौथे टेस्ट मैच में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और पूरी टीम 278 रनों पर ऑल आउट हो गई। तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद टीम इंडिया को जीत प्रतिशत 38.88 हो गया, वहीं पाकिस्तान ने 50% के साथ नंबर एक की कुर्सी पर कब्जा कर लिया है। इंग्लैंड ने भारत को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे चरण में जीत का खाता खोल लिया है और वो अब चौथे नंबर पर मौजूद है। लॉर्ड्स टेस्ट को जीतने के बाद टीम इंडिया पहले नंबर पर पहुंची थी। पाकिस्तान के साथ साथ वेस्टइंडीज की भी जीत प्रतिशत 50 है। चौथे दिन टीम इंडिया ने अपने बचे हुए 8 विकेट सिर्फ 63 रन जोड़कर गवा दिए। तीसरे दिन बेहतरीन बैटिंग करने वाली चेतेश्वर पुजारा अपने स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ सके थे। वहीं ओली रॉबिन्सन की गेंद पर 91 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद कप्तान कोहली भी अर्धशतक जमाने के बाद ओली रॉबिन्सन का ही शिकार हुए। इसके बाद ओली रॉबिन्सन रोके ही नहीं और टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर लिया है। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच 2 सितंबर से ओवल में खेला जाना है, जहां दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।